तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं ये सर्चिंग ले रहा है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है यूज दोस्तों रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कैसे करें। बहुत से लोगों को रिकवरी आईडी के बारे में पता ही नहीं होता कि मतलब रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है, इसको कैसे हमें ऐड करना है रिकवरी ईमेल आईडी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है, फुल मीनिंग क्या होता है, इससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है और मुझे सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता है, किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता है, बस एक प्राउड फील होता है कि एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। दोस्तों चलते हैं वीडियो को। रिकवरी ईमेल आईडी डालने से आपका जो है, जैसा एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है और उसका पासवर्ड भूल जाते हो या फिर आपकी मोबाइल चोरी हो जाती है, मतलब आपका फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और आपका जो है जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता जिसमें चैनल लॉगिन है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसमें आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन है उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है, ओनली जीमेल पता है तो जीमेल से होगा नहीं, या फिर वेरीफाई रहेगा तो होगा, या फिर अचानक से आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, मतलब कहीं गिर जाता है पानी में कहीं भी, आपको मतलब आपके जीमेल का पासवर्ड नहीं पता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अपने चैनल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो रिकवरी ईमेल आईडी का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड कि अगर आपका मोबाइल पूरा मतलब चोरी हो गया, आपका सिम कार्ड मोबाइल सब कुछ चोरी हो जाता है और आपको ओनली जीमेल आईडी पता है, आपको पासवर्ड भी नहीं पता है, फिर भी आप अगर रिकवरी ईमेल आईडी डाल के ऐड करके रखेंगे तो उस रिकवरी ईमेल आईडी के थ्रू अपने चैनल को रिकवर कर पाएंगे दूसरे फ़ोन में। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखना, सब कुछ ए टू जेड बताऊंगा। दोस्तों रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब यही होता है कि रिकवरी ईमेल आईडी मतलब अपने दूसरे जीमेल को रिकवर करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ, अब आपको करना क्या है, अपने जीमेल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसा रिकवरी ईमेल आईडी नहीं किया तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि रिकवरी ईमेल आईडी आप ऐड कर लो, है ना, आपका जो है जीमेल दूसरा रिकवर होने में आसानी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपका लोगो दिख रहा होगा सिंपल सा फंडा, इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेज यूअर गूगल अकाउंट। अब यहाँ पे उस जीमेल को लॉगिन करना है जिसमें दूसरी जो है जीमेल आईडी आप रिकवरी के लिए ईमेल डालना चाहते हैं। और एक बात यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड, बहुत से यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएंगे कि रिकवरी ईमेल आईडी आपका वही सेम नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग इसी के चक्कर में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो क्या करते हैं, जिस फ़ोन में जो जीमेल लॉगिन है उसी जीमेल को रिकवरी ईमेल आईडी पे भी डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको एक दूसरा जीमेल, आपके फैमिली में किसी का जीमेल आईडी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास दो तीन जीमेल हो उसको डाल सकते हैं, या फिर किसी का भी जीमेल आईडी डाल सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको विश्वास हो कि ये मतलब कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये बंदा मुझे सपोर्ट करेगा, तो आप उसके मतलब उसका जीमेल आईडी जो है डाल देना रिकवरी ईमेल आईडी में, और सेम नहीं डालना। जैसा एग्जांपल लो कि इस फ़ोन में मेरा एक जीमेल आईडी लॉगिन है और उसी फ़ोन में मैं रिकवरी ईमेल आईडी के जगह पे इसी जीमेल आईडी को डालूंगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और ऐसा डालना बेकार है। तो आपको एक दूसरा जीमेल बना लेना है, या फिर किसी का अपने फैमिली में या किसी का मतलब डाल सकते हैं, किसी मतलब आपका मतलब आपको जिस पे विश्वास हो। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, उसको लॉगिन कर लेना जिसमें रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं, और अगर आपके पास दो फ़ोन है तो आप उसका जो है जीमेल आईडी इस जीमेल आईडी में रिकवरी के लिए डाल सकते हैं और इसका जीमेल आईडी उस मोबाइल में रिकवरी के लिए डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड मैनेज यूर गूगल अकाउंट, सिंपल सा फंडा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका ऊपर जीमेल दिखाएगा, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड में देख सकते हैं नीचे देखेंगे सबसे पहले होम दिखा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे पर्सनल इन्फो, तो सिंपल सा फंडा, इस पर आपको टैप कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड और नीचे आना है या आप चैनल क्रिएट किए होंगे तब वो सब दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोन, मतलब आपका फ़ोन जो है ये भी आप ऐड कर सकते हैं और जो है रिकवरी ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ, बस यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है, यहाँ पे ईमेल ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ऐड है, आपको ऐड कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, आपको देख सकते हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका चैनल कभी हैक होने में प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगों का क्या होता है कि रिकवरी ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेंडिंग वेरीफाई यहाँ पे दिखा रहा है, तो कुछ इस तरीके से दिखाता है। बहुत से लोग अगर नहीं करेंगे मतलब रिकवरी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। अब यहाँ पे करना क्या फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिकवरी ईमेल आईडी द एड्रेस वेयर गूगल कैन कॉन्टैक्ट इफ यू
यू इफ़ देयर अंडरस्टैंड एक्टिव इन यूर अकाउंट और इफ़ यू गेट लॉकेड आउट, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं सर्चिंग लगा, उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है यूज़ यूर पैसे टू कन्फर्म दिस इट्स रियली यू, मतलब ये पूछ रहा है कि सच में ये आप ही हो या कोई दूसरे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका फिंगर मांगेगा, जो भी लॉक स्क्रीन होगा वो मांगेगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी जीमेल डाल के रखा हूँ वो दिखा रहा है, आपको यहाँ पे उस जीमेल को डालना है जिसको रिकवरी ईमेल आईडी में डालना चाहते हैं, मतलब दूसरे जीमेल को, मेरा ऑलरेडी है इसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी डाला हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने दूसरे जीमेल को डालना है जो मतलब ऐड करना चाहते हैं, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में एक पासवर्ड मांगेगा आपसे, जो भी आपका पासवर्ड हो वो डाल के उसके बाद में नेक्स्ट करके, उसके बाद में एक ओटीपी दूसरे नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं रिकवरी ईमेल आईडी का। बिल्कुल बॉक्स आया हुआ है, इसको आपको उस ईमेल को देना है जिस ईमेल को आप मतलब जिस ईमेल के साथ इसको अटैच करना चाहते हो आप, ठीक है। मतलब रिकवरी अगर ये जो आपका मेन ईमेल होगा तो इस ईमेल को नहीं और दूसरे ईमेल के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, तो उस ईमेल को दे देना गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं दूसरा एक मेरा ईमेल है जो मेन ईमेल है, ये मेरा मतलब ये सेकंड ईमेल है, तो गाइस मेरा उस ईमेल वाला यहाँ पे यूजर नेम मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हमारा यूज़र नेम है, ठीक है। तो गाइज मैं ये जो मेरा ईमेल है वो दूसरे ईमेल से मैं अटैच कर देता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गाइज ये यूज़र नेम देने के बाद गाइज आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं दे दिया यूज़र नेम, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे एक कोड जाएगा उस वाले ईमेल पे, ठीक है, जिस ईमेल का आप दे हो, तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे आ चुका है। तो ये मेरा कोड है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे कोड दे चुका हूँ, ठीक है। तो गाइज चलो इसको पहले वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है वेरीफाई, तो गाइज इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये गाइज ये देख सकते हो गाइज ये हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ये लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल इज वेरीफाइड। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आपका कुछ भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम अख्तर के सपोर्ट इंस्टाग्राम।